हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम अ फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य चौधरी एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो विल बी इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 8। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ब्रिटिश सेटलमेंट एट बॉम्बे एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1668 टू 1728 इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो टॉपिक है हमारा ब्रिटिश सेटलमेंट एट बॉम्बे एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसको हम थ्री फेजेस में करेंगे, इन थ्री फेजेस। तो प्रीवियस वीडियो में किया था हमने फर्स्ट फेज इसका, तो अभी वो ही कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड फेज करेंगे और उससे नेक्स्ट में थर्ड फेज करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके सब टॉपिक्स हैं बॉम्बे जुडिशियल प्लान ऑफ 1672, then criminal justice administration under Bombay judicial plan of 1672, then we will move to court of conscience and in last we will cover panchayats. So my dear legal eagles, this is a time for quick revision. So part 7 mein kya kiya humne, so we discussed about first phase of administration of justice in Bombay and that is from 1668 to 1683. Then we discuss about beginning of judicial system in Bombay. Judicial system in Bombay in year 1670. So my dear friends, अगर आपको ये वीडियो देखने हैं तो पार्ट 7 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, और अगर आपको पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक देखना है तो आप लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी दैट इज इंडियन लीगल हिस्ट्री, उसको एक्सेस कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वहां पे और प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिटेल कोर्स शुरू किया है और अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और इसके बाद हम करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, please share and subscribe this channel. So let's start our today's video. So Bombay Judicial Plan of 1672. By proclamation made on August 1st, 1672, Portuguese law was completely abolished from Bombay and English law was introduced in its place. 1672 में अगस्त के महीने में पहली तारीख को एक उद्घोषणा की गई इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से बॉम्बे के अंदर कि जितने भी पुर्तगीज लॉ थे, पुर्तगाली कानून और नियम थे, वो सब अब बॉम्बे से पूरी तरह से ख़त्म किए जा चुके हैं, अब उनकी जगह पे इंग्लिश लॉ विल प्रिवेल, अब इंग्लिश लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल हो गए हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर विद जुरिसडिक्शन इन ऑल केसेस सिविल क्रिमिनल प्रोबेट एंड टेस्टामेंट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन August 8, 1672 विद जॉर्ज विलकॉक्स एज इट्स जज। August 8, 1672 को एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना हुई बॉम्बे में और उसके जुरिसडिक्शन में था सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड प्रोबेट एंड टेस्टामेंट्री केसेस रिलेटेड टू विल, और जॉर्ज विलकॉक्स को इस कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जज बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया जॉर्ज विलकॉक्स को, और इसका जुरिसडिक्शन था सिविल, क्रिमिनल, प्रोबेट एंड टेस्टामेंट्री केसेस पर, और ये कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऐसे एस्टेब्लिश हुआ। सो द ट्रायल्स वर टू बी क्विक एंड स्पीडी, कोर्ट को हिदायत दी गई थी जितने भी ट्रायल्स होंगे वो क्विक होंगे, स्पीडी होंगे। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, एक टर्म है लॉ में, फ्रेज है कि अगर जस्टिस देर से हो रहा है न्याय तो उसका मतलब है जस्टिस डिनाइड है, मना कर दिया गया है, इसका मतलब ये है। तो इसलिए बोलते हैं द ट्रायल्स वर टू बी क्विक एंड स्पीडी, सिविल केसेस वर ट्राइड विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी वंस इन अ वीक एंड अ फी ऑफ 5% वाज चार्ज ऑन एवरी केस डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। तो जो सिविल केसेस थे वो हफ्ते में एक बार कोर्ट उनके लिए बैठेगा, हफ्ते में एक बार कोर्ट सिविल केसेस सुनेगा बट विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी, और जिन जिन केसेस को कोर्ट डिसाइड करेगा उस पर एक फीस चार्ज कर ली जाएगी 5% की, जो केस वैल्यू रहेगा, जो केस की टोटल वैल्यू होगा उसका 5% केस एज अ फीस कोर्ट एज अ फीस चार्ज करेगा। So let's move to the next slide. If the value of the suit was less than 60 zerafins. So my dear friend, zerafin is the Portuguese coin.
आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस अबाउट दिस, उसका कंपैरिजन भी किया था हमने इंडियन रुपीस से, तो आप उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में है वो। इफ द वैल्यू ऑफ अ सूट वाज लेस देन 60 देराफिन्स द प्लेंटिफ कुड सू इन फॉर्मा पॉपरिस। अब फॉर्मा पॉपरिस का मतलब क्या है? तो नाउ वी हैव टू कंडीशंस, अगर सूट की जो वैल्यू है, केस की वैल्यू, मुकदमे की जो वैल्यू है टोटल, वो 60 देराफिन्स से कम है, तो प्लेंटिफ एज अ फॉर्मा पॉपरिस स्यू कर सकता है। अब फॉर्मा पॉपरिस क्या है? ये रेफरिंग टू अ पार्टी टू अ लो सूट, मतलब किसी भी मुकदमे में एक पार्टी, वो गेट्स फाइलिंग फीस वेव्ड ऑफ या वेव्ड बाई फाइलिंग स्टेटमेंट। जो केस को फाइल करने की फीस है उस पार्टी की, वो खत्म कर दी जाती है जब वो पार्टी एक स्टेटमेंट फाइल करती है कोर्ट में इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट डिक्लेयरिंग द इनएबिलिटी टू पे। तो माय डियर फ्रेंड, फॉर्मा पॉपरिस का मतलब ये है कि एक पार्टी है सूट में, इस सूट में मुकदमे में एक पार्टी है, वो कोर्ट में एक एफिडेविट देती है कि जनाब आई एम अनेबल टू पे दिस फीस, कि मेरी हैसियत नहीं है इतने पैसे देने की, तो मुझे माफ़ किया जाए और मेरी फीस वेव ऑफ कर दी जाए। तो उसकी फीस वेव ऑफ कर दी जाती थी, माफ़ कर दी जाती थी, बिना फीस दिए वो केस लड़ सकता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सीपीसी पढ़ेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड, तो उसमें एक आपको ओपर सूट पढ़ने को मिलेगा, ओपर सूट, दैट इज ऑल अबाउट फॉर द पुअर पीपल, मतलब जो केस कोर्ट में, केस जिनका अगर केस कोई है कोर्ट में और वो गरीब लोग हैं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उसका कि वो गरीब हैं, क्या उनकी इनकम है, वो पूरा क्राइटेरिया है, तो अगर वो उसमें फिट बैठते हैं तो कोर्ट उनसे कोई फीस नहीं लेता है, बकायदा उनके लिए एक लॉयर को, एडवोकेट को अवेलेबल करवा दिया जाता है, एडवोकेट को, लॉयर को नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। एडवोकेट इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल, और लॉयर एक बंदा है जिसने लॉ परस्यू कर रहा है या अभी कर चुका है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्लियर नहीं करा है। ये बंदा सलाह दे सकता है लेकिन कोर्ट में अपियर नहीं हो सकता लॉयर, जबकि एडवोकेट रजिस्टर्ड है तो वो कोर्ट में अपियर हो सकता है। सो द जज हिमसेल्फ अटेंड द रजिस्ट्रेशन वर्क इन हिज कैपेसिटी एज रजिस्ट्रार एंड हैंडल प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स। तो जब रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स का नंबर आता था या प्रोबेट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम होता था, तो जज एज अ रजिस्ट्रार उन कामों को देखता था और करता था। तो वी हैव टू रोल्स फॉर जज हियर, एक तो कोर्ट में ही विल डिलीवर द जस्टिस एंड एज अ रजिस्ट्रार, जब उसकी ज़रूरत एज अ रजिस्ट्रार होती थी इन एडमिनिस्ट्रेशन और द रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स या प्रोबेट से रिलेटेड या टेस्टामेंट्री से रिलेटेड कोई काम आ जाता था, तो वो रजिस्ट्रार की तरह एक्ट करते थे। तो यानी कि जो जज का रोल है वो शिफ्ट हो सकता था, फ्रॉम जज टू रजिस्ट्रार, अगेन रजिस्ट्रार टू जज। सो माय डियर लीगल लीगल्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्रिमिनल जस्टिस पर अब हम आ गए हैं। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर बॉम्बे जुडिशियल प्लान ऑफ 1672। तो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस वक्त? फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू फोर डिवीजन, डिवीजन वन बॉम्बे, डिवीजन टू माहिम, डिवीजन थ्री मजेगांव एंड डिवीजन फोर सियोन। इन ईच ऑफ दिस डिवीजन द जस्टिस ऑफ पीस वॉज अपॉइंटेड हु वॉज टू बी एन इंग्लिश मैन। तो हर एक डिवीजन में एक जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट किया जाता था और वो इंग्लिशमैन होता था, ब्रिटिशर्स होता था, विद द पावर टू अप्रीहेंड द ऑफेंडर। अभी यहीं रुकेंगे, मतलब उसके पास पावर थी कि वो गिरफ्तार कर सके ऑफेंडर को, एंड होल्ड इंक्वायरी, सेकंड उसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर सके, एंड कंडक्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरुआत कर सके। ही ऑल्सो एग्जामिन द विटनेस, तो जो गवाह थे उनको भी वो एग्जामिन करता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन शॉर्ट ये चार डिवीजन बनाई गई, हर डिवीजन में एक जस्टिस ऑफ पीस को अपॉइंट किया गया। जस्टिस ऑफ पीस का काम था कि वो ऑफेंडर को गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है,
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, प्रारंभिक जांच उसके खिलाफ शुरू कर सकता है, और विटनेस को भी वो एग्जामिन कर सकता था। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर प्रिलिमिनरी, सो स्लिप ऑफ टंग अक्सर होता है, आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन द जस्टिस ऑफ पीस वाज टू सेंड द रिकॉर्ड टू द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो जब ये जस्टिस ऑफ पीस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता था, प्रारंभिक जांच करता था, तो उसके बाद ये कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को अपनी रिपोर्ट और जो रिकॉर्ड था उसका वो भेजता था। वेयर द केस वाज ट्राइड विद द हेल्प ऑफ द ज्यूरी, तो इसने इन्वेस्टिगेशन करी, प्रारंभिक जांच करी जस्टिस ऑफ पीस ने, और उसका रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को भेज दिया। अब कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास इसका ट्रायल शुरू होता था विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी। तो अब हम, चलो आज के सिनेरियो में हम इसको कंपेयर करते हैं। हम जस्टिस ऑफ पीस को मान लेते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर मान लेते हैं, थानेदार मान लेते हैं हम इसको। कोई क्राइम हुआ, इसने पकड़ा क्रिमिनल को, उसके खिलाफ जांच शुरू करी, FIR लिखी, जांच शुरू करी, क्योंकि इसके पास पावर है पकड़ने की, गिरफ्तार करने की, जांच करने की। उसके बाद इसने रिकॉर्ड सबमिट किया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में जस्टिस ऑफ पीस ने। तो अब आज के सिनेरियो में हमारे थानेदार ने क्या किया, इंस्पेक्टर ने, पुलिस ने क्या किया, चार्जशीट फाइल की कोर्ट में, और वहां पे उसका ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में, जूरी के हिसाब, जूरी की हेल्प से। लेकिन आज के सिनेरियो में वहीं कोर्ट में उसका ट्रायल होगा और डिसीजन दिया जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नाउ द जस्टिस ऑफ पीस एक्टेड मियरली एज कमिटिंग मजिस्ट्रेट्स एंड वर नॉट द प्यूनिटिव कोर्ट्स। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, हालांकि टेक्निकल पॉइंट है। तो जो जस्टिस ऑफ पीस थे, एक्टेड मियरली, मतलब उनका काम यही था कि पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन करी, रिपोर्ट लगाई और भेज दिया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में। सो दे एक्टिंग मेयरली एज अ कमिटिंग मजिस्ट्रेट, क्योंकि उनके पास प्यूनिटिव पावर्स नहीं थी। दे वर नॉट द प्यूनिटिव कोर्ट्स, मतलब प्यूनिटिव कोर्ट्स नहीं थे वो, प्यूनिटिव पावर्स नहीं थी उनके पास। प्यूनिटिव पावर्स मतलब वो किसी को दंड दे दें, ये अधिकार उनके पास नहीं था। वो केवल जांच करेंगे, रिकॉर्ड और रिपोर्ट सबमिट करेंगे, दैट्स इट, उनका काम हो गया। बाकी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर करेगा जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को करना होगा। सो द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज टू सिट वंस इन अ मंथ एंड डिसाइड क्रिमिनल केसेस विद द हेल्प ऑफ द जस्टिसेस ऑफ पीस हु सेट इन द कोर्ट एसेसर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर होता था, ये केवल महीने में एक बार बैठता था और क्रिमिनल केस डिसाइड करता था। ये जो जस्टिसेस ऑफ पीस होते थे, इनकी हेल्प से वो कोर्ट में बैठते थे एज एसेसर्स, मतलब इन केस। सपोज कीजिए जस्टिस ऑफ पीस ने अपना कोई केस सबमिट किया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास, तो जब कोर्ट ऑफ जुडिकेचर महीने में एक बार बैठ रहा है, तो वो जस्टिस ऑफ पीस, कंसर्न जस्टिस ऑफ पीस वहाँ पहुँचेंगे, जिनका जिनका केस होगा वो कोर्ट की हेल्प करेंगे, कोर्ट को ब्रीफ करेंगे कि जी हाँ ये बंदा था, इस क्राइम में पकड़ा गया है और यहाँ से पकड़ा गया, ये इन्वेस्टिगेशन इसके खिलाफ हुई है और ये रिपोर्ट हमने आपको सबमिट करी है। तो दैट काइंड ऑफ स्टफ। नाउ अपील्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वर टेकन टू द कोर्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ बॉम्बे। तो इन केस अगर कोई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, या कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास ऐसा कोई केस आ गया जिसमें कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को लगता है कि इसमें को रेफर करना चाहिए, तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास से डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ बॉम्बे के पास वो केस जाएगा। यानी कि डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और उसकी जो काउंसिल है, उसका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है कि वो अपील सुन सकते हैं कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से। तो लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। द कोर्ट मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द कंपनी एनुअली। द कोर्ट वाज टू फॉलो द इंग्लिश सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ एज फार एज पॉसिबल। तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती थी, कोर्ट उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करते थे, कब कहाँ से कौन सा केस आया, कब कहाँ से किसको पकड़ा गया, क्या पनिशमेंट दिया गया, इसकी एक रिपोर्ट कंपनी को एनुअली भेजी जाती थी। साल में एक बार पूरा अपना लेखा जोखा, पूरा चिट्ठा कंपनी को वो लोग सबमिट करते थे, और कोर्ट को सख्त हिदायत थी कि जो उन्हें इंग्लैंड के सब्सटेंटिव
और प्रोसीजरल लॉ हैं वही फॉलो करने हैं। सब्सटेंटिव का मतलब जो उनके बेसिक लॉ हैं, मूल लॉ हैं, और प्रोसीजरल लॉ जो प्रोसीजर है, जो कार्य प्रणाली है कि इस तरीके से काम होता है, वो सब उनको फॉलो करनी थी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कोर्ट ऑफ कंसाइंस। सो द कोर्ट ऑफ कंसाइंस वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश विच फंक्शन अंडर द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो माई डियर फ्रेंड, अब हायरार्की देख लीजिए आप। जस्टिस ऑफ पीस, कोर्ट ऑफ कंसाइंस एंड देन कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। मतलब ये जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस थे, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंडर ये काम करते थे। द कोर्ट, दिस कोर्ट डिसाइड पेटी सिविल केसेस ऑफ द वैल्यू ऑफ लेस देन 20 ज़ेरोफिन्स। ऐसे सिविल केसेस जिनकी जो सिविल सूट की वैल्यू होती थी वो 20 ज़ेरोफिन से कम होती थी, उनको ये लोग देखते थे। ये इसलिए थे ताकि कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और फटाफट, क्विकली, स्पीडी ट्रायल हो और जस्टिस जल्दी मिले और केस का निपटारा जल्दी हो। द सोल पर्पज ऑफ दिस कोर्ट वॉज टू इम्पार्ट जस्टिस टू द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था इस कोर्ट को एस्टेब्लिश करने का, वो ये था कि जो पुअर लोग हैं उनको जस्टिस मिले फ्री ऑफ कॉस्ट और जल्दी मिले। द कोर्ट हेल्ड सिटिंग वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार बैठता था। एंड द ट्रायल्स इन द कोर्ट वर समरी ट्रायल्स विदाउट द हेल्प ऑफ ज्यूरी सो दैट द स्पीडी जस्टिस कुड बी अवेलेबल टू द पुअर लिटिगेंट्स। माई डियर फ्रेंड, समरी ट्रायल्स बेसिकली वो होते हैं जो जिनमें कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता, बहुत बड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती, जो बहुत लंबे नहीं चलते। समरी ट्रायल्स का मतलब है फटाफट एक दो सिटिंग में समाप्त हो जाने वाले, जिनके लिए बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो एक दो सिटिंग में समाप्त हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्ट था, ये समरी, जो समरी ट्रायल के बेसिस पे काम करता था विदाउट द हेल्प ऑफ ज्यूरी, ताकि स्पीडी जस्टिस मिले और जो पुअर लिटिगेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द पंचायत्स। इन द ईयर 1672 पंचायत वर रीऑर्गेनाइज एंड दे वर ऑथराइज टू डिसाइड केसेस अमंग्स द पर्सन ऑफ देयर ओन कास्ट हु म्यूचुअली एग्रीड टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, अदरवाइज द डिस्प्यूट हैड टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द एडजुडिकेशन। 1672 में पंचायत्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और उनको ये पावर दे दी गई कि वो जो केसेस हैं उन लोगों की अपनी कास्ट में, जो उनकी अपनी कास्ट हैं उसके जो लोग हैं उनके केसेस को वो डिसाइड करें, और उनमें से भी उन लोगों के केसेस को जो म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं, जो मान जाते हैं, जो जिस केस में दोनों पार्टी मान जाती हैं चलिए अपनी पंचायत के पास चलते हैं, अपने लोगों की जो पंचायत है उसके पास जाते हैं, वो हमारा फैसला करेंगे। ऐसे नहीं कि उनकी कास्ट में कोई किसी दो लोगों का डिस्प्यूट हुआ तो पंचायत जबरदस्ती उनको पकड़ लाई, नहीं हम तुम्हारा फैसला करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पर आर्बिट्रेशन की बात की है इन्होंने। वो म्यूचुअली एग्रीड टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन का मतलब यही होता है, जब दोनों पार्टी, जो डिस्प्यूट में दोनों पार्टी होती हैं, दोनों तीनों चारों पार्टी जितनी भी डिस्प्यूट में पार्टी होती हैं, वो म्यूचुअली एग्री हो जाए, आपस में एग्री कर लें, चलो कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक आर्बिट्रेटर को चूज कर लेते हैं, तुम और मैं एक कॉमन आर्बिट्रेटर को चूज कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि मैं अपने आर्बिट्रेटर को चूज करता हूँ, तुम अपने को करो, और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलके एक कॉमन आर्बिट्रेटर को चूज कर लेंगे। तो या वो तो आर्बिट्रेशन का मसला हो गया, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या था सिनेरियो कि जो पंचायत थी उन लोगों की जातिगत पंचायत, जो जाति है उन लोगों की, उसकी जो पंचायत है, वो पंचायत के पास जाएंगे दोनों कि नहीं आप हमारा फैसला कीजिए। इन केस वो पंचायत के पास नहीं जा रहे हैं तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के सामने उनको ले जाया जाएगा और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर उनका फैसला करेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, द पंचायत वर ऑल्सो टू रिपोर्ट द ऑफेंडर टू द जस्टिस ऑफ पीस ऑफ द रीजन विद द स्टेटमेंट ऑफ क्राइम सो दैट द गिल्टी कुड बी पनिश। अब पंचायत को एक ड्यूटी दे दी गई कि आप फटाफट जस्टिस ऑफ पीस को बताएंगे ऑफेंडर के बारे में, आप रिपोर्ट देंगे सारी जस्टिस ऑफ पीस को, ये फला फला बंदा है, वो ऑफेंडर है, उसने ये काम कर दिया या ये कांड कर दिया उसने,
जो उस रीजन का जस्टिस ऑफ पीस होगा, और स्टेटमेंट ऑफ क्राइम देंगे पूरी रिपोर्ट कि ऐसे ऐसे ये बंदा है, वहां रहता है, इसने ये अपराध किया है, ताकि उसको पनिश किया जा सके। नाउ नोट, इंपॉर्टेंट नोट, दिस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कंटिन्यू अंटिल दिसंबर 1683 व्हेन इट सीज टू फंक्शन ड्यू टू केगविंस रेबिलियन। द आइसलैंड ऑफ बॉम्बे रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ रिबेल्स फॉर अबाउट अ ईयर एंड इट फाइनली कम बैक टू इंग्लिश कंपनी इन नवंबर 1684। सो माई डियर फ्रेंड, दिसंबर 1683 तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो ये सिस्टम था, इसने काम किया, लेकिन इसके बाद इसने काम करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? तो देर वॉज अ कैप्टन ऑफ ब्रिटिश नेवल कमांड, मिस्टर रिचार्ड केगविन, केगविन ही बोलेंगे शायद इसको, खैर वट एवर। तो इन जनाब ने क्या किया, इन्होंने बगावत कर दी अपनी सरकार के खिलाफ, म्यूटिनी, रेबेल, ये बागी हो गए। पान सिंह तोमर में कहते हैं इरफान खान, बागी हैं भैया हम, तो ये भैया बागी हो गए, और इन्होंने बॉम्बे पे आक्रमण कर दिया। ये उनकी मिलिट्री कमांड, ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो मिलिट्री थे, ये उसके चीफ थे उस वक्त, वहाँ के नेवल कमांडर थे। तो इन्होंने बगावत कर दी और ये बंदूक की नोक पे 1 साल तक बॉम्बे के रेबल गवर्नर बन के रहे हैं, रेबल गवर्नर बंदूक की नोक पर। तो 1683 से 1684 नवंबर तक, दिसंबर से शुरू किया था, नवंबर तक ये बंदूक की नोक पर 1 साल बॉम्बे के गवर्नर बने रहे। तब तक सारा कामकाज बॉम्बे का ठप हो गया और 1684 तक यही स्थिति रही, और 1684 नवंबर में बॉम्बे दोबारा कंपनी के पास आ गया। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज फॉर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, काइंडली शेयर and these videos and subscribe my channel। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चैनल है, इस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन केस कोई इंक्वायरी है या आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक, तो हम मिलके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आप मेल कर देना उसके बारे में, या इंस्टा पे बता देना, टेलीग्राम पे बता देना। तो माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट्स कीजिए खूब, आपको लगता है कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताइए, अकॉर्डिंगली हम सुधार करेंगे। और अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, बुरा लगे तो बुरा बताइए। दैट्स ऑल फॉर द डे, दिस इज अ फ्रेंड लक्ष्य चौधरी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून विद अ न्यू वीडियो, बाय।